पौड़ी शहर के अपर चोपड़ा निवासी भारतीय जनता पार्टी के राम भक्ति शाह इन दिनों अपनी बेटी की तलाश में दर दर भटकने को मजबूर हैं। बुजुर्ग का कहना है कि उसकी बेटी पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर चमोली जिले में तैनात थी। वहीं बद्रीनाथ यात्रा कर लौटते समय कार हादसे के बाद से लापता है। उनका कहना है कि बेटी का पता लगाने को लेकर कई मंत्रियों और अफसरों के आगे गुहार लगा चुके हैं। राम भक्ति शाह ने बताया कि उनकी 30 साल की बेटी प्रेमलता बद्रीनाथ में यात्रा ड्यूटी में तैनात थी। उन्होंने बताया कि 4 जून की मध्य रात्रि को बद्रीनाथ हाईवे पर पागल नाला में कार दुर्घटना में वह लापता हो गई। उन्होंने कहा कि 3 महीने गुजर जाने के बाद भी उनकी बेटी का कुछ पता नहीं चल सका है। राम भक्ति ने कहा कि वाहन दुर्घटना में 2 अन्य के शव मिल चुके हैं, लेकिन उनकी बेटी का अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। मामले को लेकर उन्होंने शासन प्रशासन से बेटी का पता लगाने की मांग की है। पौड़ी से मुकेश बच्छेती की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री महोदय जी के पास भी गया था सर, उन्होंने मुझसे ये कहा था कि मतलब ये है कि तुमको क्या चाहिए। मैंने कहा साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ लड़की दिला दीजिए, आप किसी भी यंत्रों द्वारा निकाल दीजिए लड़की को और मैं लड़की की अंत्येष्टि कर दूंगा और मुझे शांति हो जाएगी।